जो जीवन को महकाए जिए जो जीवन को महकाए पंगु भी पर्वत पर चढ़कर जीत के गीत सुनाए जीए ऐसा जिए जीवन कितना सुंदर है चलता फिरता मंदिर है जीवन कितना सुंदर है चलता फिरता मंदिर है इसमें बसा हुआ भगवान जीवन है प्रभु का वरदान जीवन को हम धन्य करें आनंद उत्सव वरण करें जीवन को हम इंद्र धनुष सा सुंदर सरस बनाए जिए ऐसा जिए जो जीवन को महकाए पंगू भी पर्वत पर चढ़कर जीत के गीत सुनाए जिए ऐसा जिए जीवन में हम जोश भरे अपने सपने पूर्ण करें जीवन में हम जोश भरे अपने सपने पूर्ण करें ले सबका नहीं मिले तो गम किसका साथ मिले तो ले सबका नहीं मिले तो गम किसका अर्जुन में बेहद दम है, एक लव्य भी कहा कम है अर्जुन में बेहद दम है एक लव्य भी कहा कम है हम भी दिल में लक्ष्य बसाकर जीवन सफल बनाए जिए ऐसा जिए जो जीवन को महकाए पंगू भी पर्वत पर चढ़ कर जीत के गीत सुनाए जिए ऐसा संघर्षों से डरे नहीं बिना मौत के मरे नहीं संघर्षों से डरे नहीं बिना मौत के मरे नहीं खुद को बूढ़ा क्यों समझे खुद को अपाहिज क्यों समझे खुद को बूढ़ा क्यों समझे खुद को अपाहिज क्यों समझे जिसने भी संघर्ष किया उसको अपना लक्ष्य मिला जिसने भी संघर्ष किया उसको अपना लक्ष्य मिला प्रभु स्वयं पुरुषार्थ जगाकर सोया भाग्य जगाए जिए, ऐसा जिए जो जीवन को महकाए पंगु भी पर्वत पर चढ़कर जीत के गीत सुनाए जिए ऐसा जिए जो जीवन को महकाए पंगु भी पर्वत पर चढ़कर जीत के गीत सुनाए जीए ऐसा जिए जिये कृष्ण गोविंद हरे मुरार हे नाथ नारायण वासुदेवा श्रीकृष्ण गोविंद हरे हे नाथ नारायण वासुदेवा मात्र स्वामी सखा हमारे मात्र स्वामी सखा हमारे हे नाथ नारायण वासुदेवा कृष्ण गोविंद हरे हे नाथ नारायण वासुदेवा कृष्ण गोविंद हरे मरारी नाथ नारायण वासुदेवा कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्रीमन्नारायण नारायण 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 नारायण

श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारि हे नाथ नारायण वासुदेवा कृष्ण गोविंद हरे मुरारि हे नाथ नारायण वासुदेवार रामचन्द्र जी की जय मोर मुकुट बंसी वाले की जय श्री गंगा मैया की जय श्री गीता माता की जय अनंत कोटि सब संत महात्माओं की जय साधक संजीवनी की जय नारायण 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 बहुत सुंदर साक्षी बहुत सुंदर वेरी नाइस शाबाश बेटा सभी बच्चों को राम राम सभी जो भी इस ग्रुप में बड़े जुड़े हैं उनको प्रणाम बच्चों आज हमारे साथ वेरी 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 स्पेशल गेस्ट विनोद जी गट्टानी फ्रॉम पुणे जुड़े हैं महाराष्ट्र से विनोद जी गीता बाल संस्कार की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है बच्चों बच्चों विनोद जी ने बचपन में ही जब फोर्थ क्लास में थे दब, तब ही पूरी श्रीमद् भगवत गीता कंठस्थ कर ली थी आजकल विनोद जी आजकल एक शिकायत होती है बच्चों की जब हम इनको बोलते हैं कि आप लोग गीता जी याद करो और काफी करते भी हैं लेकिन इनके एक मन में शंका होती है कि हम बचपन में गीता जी क्यों याद गीता जी याद करने से हमें क्या लाभ होगा तो आज इस सेशन में विनोद जी हमें बताएंगे इन्होंने बचपन में गीता जी याद की तो इनकी लाइफ में गीता जी का क्या प्रभाव पड़ा है और ये क्यों याद करनी चाहिए इससे अपनी लाइफ कितनी इजी गोइंग हो जाएगी कोई भी सिचुएशन कैसे अपन हैंडल कर पाएंगे कोई मैनेजमेंट अपन कैसे कर पाएंगे ये सारा डिस्कशन आज इस सेशन में होगा तो पुनः एक बार आपका बहुत बहुत स्वागत आपका सेशन शुरू शुरू हो उससे पहले दो तीन कुछ इंस्ट्रक्शन देने हैं गीता बाल संस्कार की तरफ से एक वेबसाइट लॉन्च की गई है जिसका नाम है साधक संजीवनी डॉट इन ये श्रद्धे स्वामी जी महाराज की वेबसाइट है साधक संजीवनी की इसमें महाराज जी का संक्षिप्त परिचय व अन्य महाराज जी के बारे में जानकारी है वेबसाइट बहुत छोटी है सभी को इसको जरूर देखना चाहिए और इसका लिंक हम ग्रुप में काफी बार शेयर करते रहते हैं फिर कर देंगे और मंडे टू फ्राइडे थ्री टू फोर इसी आईडी पे जूम पर साधक संजीवनी पे चर्चा होती है जो बहुत प्रैक्टिकल सभी के लिए बहुत ही उपयोगी है कि हम घर में जो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हमारी हो रही है उसमें हमें समझ में नहीं आता कि हम कैसे हैंडल करें तो वो सब बहुत तीन सौ साढ़े तीन सौ लोग अभी तक तो उसमें जुड़ रहे हैं और सबको बहुत फायदा हो रहा है बहुत प्रैक्टिकल डिस्कशन होता है सभी अपने अपनी प्रॉब्लम्स रखते हैं और उससे सबको सोल्यूशन मिल रहा है और सवा चार बजे से मंडे टू फ्राइडे सवा चार बजे से गीताबाल संस्कार की तरफ से गीता जी के पाठ के लिए भी आयोजन किया गया है सीधी मतलब एकदम सरल तरीके से गीता जी कैसे पढ़ी जाए इसका भी कार्यक्रम सवा चार से सवा पांच तक होता है तो प्लीज सभी को जरूर जरूर, जरूर गीता जी का सेशन भी अटेंड करना चाहिए बस साधक संजीवनी वाला सेशन भी जरूर अटेंड करना चाहिए नारायण 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 विनोद जी आपका स्वागत है अब आप सब बच्चों को अपने अनुभव के द्वारा बताएं नारायण नारायण ठीक है ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर् देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षा पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे वसुदेव वसुदे वसुतम देव कंसाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु सभी, सभी जो इस ग्रुप में इस विशेष फैमिली में आए हुए हैं उन सभी को मेरा राम राम सभी बड़ों को मेरा प्रणाम इस फैमिली में मुझे बोलने का अवसर मिल रहा है ये भगवत बहुत बड़ी कृपा है ये समझ के इस सेशन को मैं चालू कर रहा हूँ आज हम विशेषता इस सेशन में जो गीता जी में कही गई बात बातों से हमें क्या क्या फायदा होता है और हो सकता है उसे जानने की कोशिश करेंगे स्टूडेंट्स या जो भी पेरेंट्स यहाँ है गीता जी की म, गीता जी की मदद से कैसे सेल्फ कंट्रोल सेल्फ असेसमेंट कंसंट्रेशन प्रैक्टिस फॉर परफेक्शन पढ़ाई की वजह ढूंढना बहुत जरूरी है पढ़ाई की वजह ढूंढना ये सब कैसे कर सकते हैं <coughs> या अपने जीवन का उद्देश्य समझना ये सब गीता जी से पॉसिबल है यह हमारे साथ होता आ रहा है और हो रोज डेली रहा है तो इसके क्या विशेष फायदे हैं गीता जी के अपन जानने की कोशिश करेंगे गीता जी एक अद्भुत पुस्तक है एक अद्भुत ग्रंथ है भगवान के श्रीमुख से निकली हुई एक अद्भुत रहस्यमय वाणी है आपको अगर कोई भी डाउट है तो उसका आंसर आपको बड़ी बड़ी ही सरलता से गीता जी में मिल सकता है मिलता ही है अर्जुन जी को तो रणभूमि पर इसे सुनने का मौका मिला और इतना कठिन युद्ध देखो एक युद्ध होता है शत्रुओं से ये जो युद्ध था वो अपनों से साथ। तो अपने अपनों के साथ जो युद्ध रहता है वो बहुत कठिन होता है तो युद्ध ये युद्ध भी जीतने का इस गीता जी के माध्यम से उनको एक अलग ही मार्ग मिला गीता जी की गीता जी एकमात्र ग्रंथ ऐसी है जिसकी जयंती मनाई जाती है देखो कोई भी ग्रंथ नहीं है जिसका जयंती मनाया जाता है कुछ तो विशेष है इसमें एकमात्र ग्रंथ है जिसे स्वयं भगवान ने कहा है स्वयं भगवान ने रणभूमि में कहा है भगवान मतलब एक सूर्य योद्धा जो इतने टेंशन में था उसको माध्यम बनाते हुए भगवान ने अपने को बहुत अच्छी मतलब बोलते हैं ना कि बहुत बड़ा गिफ्ट दिया है अपने को उसे जानेंगे अपन आज देखो भगवान की असीम कृपा से हमने भी आप सब बच्चों जैसे गीता जी याद की थी बहुत छोटे थे हम जब हमारे पीछे ही पड़ जाते थे अरे गीता जी याद करो हमको तो मालूम भी नहीं था कि क्या रहता है क्या नहीं कुछ कुछ इनाम देके लालच देके कुछ बार तो ऐसा कि भाई एक दिन में आज अगर ये एक अध्याय कर लेगा तो फिफ्टी रुपीज मिल जाएंगे तेरे लिए कैरम आ जाएगा तेरे लिए बैडमिंटन आ जाएगा ऐसे 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 हमको लालच दिए गए थे जब हम छोटे थे तो वो लालच से ही सही समझो लेकिन हमने वो गीताजी याद की और उस गीताजी की वजह से आज हमको इतना फायदा हो रहा है इतना फायदा हो रहा है कि मैं आपको क्या क्या बताऊं गीता जी याद करने से आपको बहुत बहुत फायदे होंगे और ये आगे जाके आपको सौ परसेंट समझ में आएंगे तो चलो शुरू करते हैं एक बेसिक इंफॉर्मेशन है गीता जी की एक, एक बेसिक इंफॉर्मेशन है गीता जी की वो मैं आपसे शेयर कर रहा था गीता जी गीता जी के अध्याय है अठरा अध्याय है उसमें सात सौ श्लोक है बेसिकली ये चार लोगों का संवाद है कौन कौन है ये श्री कृष्ण भगवान अर्जुन जी संजय दुतराष्ट्र अब अर्जुन कितने सूर्य योद्धा थे ये तो आप लोगों ने इस परिवार में बार बार सुन लिया ही होगा उन्होंने अनेकों युद्ध अकेले ही जीते थे इतने युद्ध कि वो अकेले ही रणभूमि में जाके जीत सकते थे लेकिन जब अपने ही स्नेही जन जब उनको अपने ही स्नेही जन को मतलब उनके जो परिवार के लोगों के सामने जब शत्रु बन के खड़े हो गए तो वो थोड़ा डर गए भयभीत हो गए उन्होंने श्री कृष्ण भगवान को क्या कहा श्री कृष्ण भगवान आप रथ दोनों सेनाओं के बीच में लेके चलो है ना ऐसा श्लोक से नोरू भयोर मध्य रतम स्थापय में क्या बोला उन्होंने दोनों सेनाओं के बीच में ये रथ लेके चलो एक शूरवीर योद्धा जो कोई भी युद्ध जीत सकता है वो आज हतप्रभ है भयभीत है उनके माइंड में हजारों क्वेश्चन है कि मैं क्या करूं और क्यों करूं ये सब तो मेरे ही है और मेरे अपने को ही मैं कैसे मार सकता हूं ऐसे हजारों क्वेश्चन उनके सामने स, उनके सामने या उनके मन में आ रहे थे देखो ये गीता जी का पहला अध्याय बहुत बड़ी सीख देता है जैसे भगवान ने पहले अध्याय में अगर आप गीता जी देखोगे तो पहले अध्याय में भगवान ने कुछ भी नहीं कहा सिर्फ सुना है सिर्फ सुना है भगवान ने इसमें बहुत कुछ सिखा दिया है सिर्फ सुनने से कैसे एक जैसे इसको अपन एक टॉपिक को नाम दे सकते हैं कि मौन का महत्व या सुनने का महत्व एक सिर्फ सुनने से कितना कितनी सुनने में कितनी ताकत है यह भगवान ने इसमें सिखाया है अपने कोई भी दुविधा में है उन्हें कोई टेंशन है उन्हें कुछ सॉल्यूशन चाहिए तब जो अपने को यह बस सब बता रहे हैं तब अपने उसे सुनना चाहिए अर्जुन बहुत टेंशन में थे बहुत टेंशन में कि अब मैं क्या करूं क्यों करूँ ये तो सब मेरे ही है इतनी टेंशन में थे जबकि युद्ध तो पहले से ही फाइनल था युद्ध की तैयारी भी पहले से हो गई थी ऐसा नहीं है कि नहीं उन्होंने डिसीजन ले, ले, ले लिया था कि हम युद्ध तो करना ही है बट युद्ध में सबको सामने देखते ही उनको बहुत सारे क्वेश्चन आ गए तो ऐसे ये पेरेंट्स लोगों के लिए भी है और ये बच्चों के लिए भी है देखो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन डेली रूटीन में आपको आते हैं कि हमने पढ़ाई हमको पता है हमको पढ़ना तो है ही इसमें कोई दूसरा ऑप्शन तो है ही नहीं तो ये एक पढ़ाई भी समझ लो हर जीवन का छोटे छोटे लक्ष्य एक युद्ध की तरह देखना है अपने को कि ये युद्ध हमको जीतना है तो हमको अपने जो भी प्रॉब्लम्स है सारे प्रॉब्लम्स अपने को शेयर करना आना चाहिए तो ये शेयर अपन किसको करेंगे अपने लोगों को है ना जो अपने को उसका हल दे सकता है सोल्यूशन दे सकता है एंसर दे सकता है उसी को ही कर पाएंगे या जो अपना एकदम निकटवर्ती है जन है आपके माता पिता दादा दादी भाई बहन बड़े भाई छोटे भाई जो भी है घर में आप किसी से भी इसका आंसर ले सकते हैं देखो अब ये थोड़ा सा बड़े लोगों के लिए भी है इससे वापस अपन छोटे पे भी आएंगे देखो जब भी कोई भी दुविधा अपने से छोटा अपने से शेयर कर रहा है या कोई भी दुविधा कोई भी किसी से भी शेयर कर रहा है तो बड़े शांति से सुनना चाहिए कि वो क्या कह रहा है वो क्या पूछना चाह रहा है वो क्या समझना चाह रहा है देखो सुनने में भी बहुत बड़ी ताकत है ये केवल उपदेश देना या भाषण देना तू ये कर वो कर ये श्रेष्ठ है वो श्रेष्ठ है ये सब सिर्फ ये इतना ही श्रेष्ठ नहीं है सुनना उससे भी बड़ा श्रेष्ठ काम है ये भगवान ने पहले अध्याय में कर दिखाया है देखो भगवान ने करके दिखाया है ऐसा नहीं है कि भगवान बोल रहे हैं उन्होंने करके दिखाया देखो भगवान यहाँ पर केवल सुन रहे और वो भी कैसे सुन रहे है? बड़े एकदम खुश प्रसन्न रहते हुए कि भाई क्या बोल रहा है ये आज युद्ध की तैयारी करके आए हैं अपन और अर्जुन जी बोल रहे कि हमको तो युद्ध करना ही नहीं है मैं कैसे करूं युद्ध ये थोड़ी बात होती है तो अगर बच्चे अपनी कोई भी बात बड़ों से शेयर करते हैं तो बड़ों को भी वो पूरी बात सुननी ही चाहिए कि क्या बात है क्यों बच्चे टेंशन में या उन्हें क्या दुविधा है उन्हें टोकना नहीं चाहिए अगर क्योंकि अगर अपन ने उनको टोक दिया या वो जो बोल रहे हैं उससे बीच में अपन ने कुछ गुस्से से बोल दिया तो शायद डरते हुए वो कुछ बोले ही नहीं या वो जो शेयर करना चाहता है वो शेयर ही नहीं करे वो बात मन की मन में ही रह जाएगी इसलिए जब भी कोई बच्चे अपने से शेयर कर रहे हैं तो उनकी पूरी बात समझे बहुत सारे टेंशन अपने अलावा उनको भी रहते होंगे पढ़ाई में कोई चीज समझ में नहीं आ रही कोई टीचर का बात उनको समझ में नहीं आ रहा है कोई स्टूडेंट उनको परेशान कर रहा है कुछ भी हो सकता है ऐसा नहीं है परेशानी कोई भी तरीके की हो सकती है उस परेशानी को आपको समझ के लेना है ना कि हमेशा टोकना है तो वो डरते हुए शायद आपको पूरी बात ना बताए और शेयरिंग करने के बाद इसलिए पूरी बात सुनकर फिर अपना सोल मतलब अपने को क्या करना है उनकी पूरी बात सुननी है पूरी बात सुनना है फिर अपने बात रखनी है कि भाई हाँ ये तेरी प्रॉब्लम है ना अब इसका सोल्यूशन तू सुन जो भी बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन है उस क्वेश्चन का देखो वो जो भी प्रॉब्लम है वो एक क्वेश्चन ही है उस क्वेश्चन का अपने को जो भी आंसर देना है पूरी बात सुन के दोगे तो आप सही से दे पाओगे और वो भी उसको उचित तरीके से ले पाएगा देखो ये देना लेना दोनों में रहने वाला है बच्चों अपने मन में कोई भी दुविधा हो तब तो वो बात अपने स्नेही जन को कहना जरूरी है मन की बात किसी से कहना या शेयरिंग करना इसमें भी बहुत बड़ी ताकत है जैसे सुनने में बहुत बड़ी ताकत है ना वैसे बोलने में भी या शेयरिंग करने में भी बहुत बड़ी ताकत है सिर्फ सुनना और सिर्फ शेयर करना अर्जुन को ताकत थी तो उन्होंने शेयर कर पाए भगवान ने दिखाया कि मैं भी सुन सकता हूं तो वो सुन पाए तो ऐसे ही अपने को अपने निजी जीवन में करते रहना चाहिए इससे हमारा मन बहुत हल्का होता है बहुत एकदम वो बोलते हैं ना एक शांति मिलती है कि हाँ भाई मेरे को जो बोलना था मैंने बोल दिया अब इसका जो सोल्यूशन है बड़े देखेंगे अपन ने अपनी प्रॉब्लम बड़ों को बोल दी ना अब वो प्रॉब्लम सिर्फ आपकी नहीं रहती है ये प्रॉब्लम बड़ों को भी बड़ों के भी हो जाती है अब वो इस प्रॉब्लम का सामूहिक रूप से विचार विमर्श करते हैं कि हाँ भाई इसको ये प्रॉब्लम है तो इसको इससे कहां से दूर लाना है ये प्रॉब्लम कैसी होती है क्या होती है इसके बारे में अपन थोड़ा सा आगे जानेंगे <coughs> तो आज आज से हम एक निश्चय करते हैं ठीक है कि हम लोग अपनी सारी प्रॉब्लम्स अपने माता पिता दादा दादी जी के साथ हंड्रेड परसेंट शेयर करेंगे और फिर उनकी बात सुनेंगे भी फिर देखो कितने इजीली सॉल्यूशन मिलते हैं ठीक है देख लो अब देखो इतनी देर तो बात हुई अपने को बताने की कि भाई बच्चों आपको जो भी प्रॉब्लम है बड़ों को बताओ या किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम है वो बड़े को बताओ ऐसे ही अब बात हो रही है क्या अब बच्चों अगर आपने कुछ पूछा है मतलब आपने कुछ तो पूछा है किसी को तो उसका जवाब भी आपको चाहिए तो आपको भी अपने स्नेहीजन जो भी उपाय बता रहे उसे प्रसन्न होते हुए सुनना चाहिए ठीक है ना मतलब जैसे उन्होंने आपको सुना है वैसे ही आपने सुनना चाहिए ऐसा नहीं है कि वो कुछ भी बोल रहे हैं ठीक है वो सुना ही जाने अगर आपकी गलती रही तो गलती बताएंगे अगर आपका सब सब सही काम रहा तो आपको प्रोत्साहन भी देंगे ऐसा नहीं है वो गलती बता रहे इसका मतलब वो गलत है ये तो नहीं है ना आपको फ्री में गलती मिल रही है कि भाई मेरी ये गलती है जो मेरा अपना कोई हिम्मत करके मुझे बता रहा है ये बहुत बड़ी बात है ये आपको बहुत जल्दी से समझ में आने वाली है कि कोई किसी की गलती इजीली नहीं बता पाता है अपन जाते हैं, अपने को पता है कोई आदमी कहीं पे अपन कहीं जा रहे हैं और एक आदमी रस्ते पे कचरा डाल के जा रहा है या समझो और कुछ कर रहा है तो अपन उनको बोल ही नहीं पाते अपने को पता है कचरा रस्ते पे डालना गलत बात है फिर भी अपन बोल पाते है क्या उनको नहीं ना अपनी गलती सिर्फ अपने नई जनी अपने को इजीली बता पाएंगे बाहर का बताएगा तो उसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ सकती है उसको भी और अपनों को क्योंकि एवरी एक्शन हैज रिएक्शन उसने कुछ एक्शन करने से पहले आपका रिएक्शन बहुत गंदा होता है ये आपने रियलाइज किया भी है देखो देखो वो लोग आपका हित ही तो चाहते हैं शायद वो आपको बुरा लगे वो ऐसा कुछ बोल जाए या कठोर हो जाए पर आपको विचलित नहीं होना है अपने स्नेहीजन अपने को अपनी अगर कोई गलती है तो वो बोल देंगे कि भाई ये तेरी बात गलत है हमको तो समझ में नहीं आई ये तुझे सही करनी है ये बात तू उसी तरीके से सही कर सकता है तो ये अपने को समझना है ना कि उनके एक्शन पे अपने को रिएक्शन देना है इतनी देर उन्होंने नहीं दिया ना तो अपनी ताकत दिखानी है कि भाई आप जो बोल रहे हो वो हम अच्छे से सुन रहे हैं और वो सुन के हम विचलित नहीं हो रहे हैं और हम जो उपाय आप बता रहे हो जो हमारे हित में है वो हम कर रहे हैं ठीक है थीके? आपको उसमें कोई भी और डाउट हो तो आप पूछो ना वो मना थोड़ी कर रहे हैं अगर आपको उसका उनों उन्होंने जो भी उपाय बताया है उसमें और कुछ डाउट आ रहा है तो आप पूछ सकते हो इसमें भी आप टोटली फ्री हो जैसे वो आपकी गलती बताने में फ्री है वैसे ही आपको जो सोल्यूशन दिया है उस सोल्यूशन में आपको कुछ पूछना है तो उसमें भी आप फ्री हो ठीक है देखो अब बहुत बढ़िया बात है जैसे हम घर से बाहर कहीं जाते हैं तो अपन क्या करते हैं बढ़िया एकदम सूट बूट पहन के बढ़िया कपड़े पहन के जाते हैं एकदम जैसे ंदर दिखना है जाते जाते कांच में बा चार पांच बार देख लेते हैं भाई मेरे बाल बने हैं या नहीं मेरे सही बने हैं कि नहीं मैंने जो मुझे पहनना था वैसा ही मैंने पहना है कि नहीं कुछ बहुत कुछ देख के जाते हैं और अपने हिसाब से अपन एकदम सुंदर होके बाहर निकलने की हमेशा कोशिश करते हैं ठीक है अगर उसमें अपने को आईना कुछ बता देता है कि भाई आपके बाल सही नहीं बने आपने बना दिए भाई आपके ये चीज गंदी दिख रही है आप वो साफ कर देते हो जो भी वैसा ही आयना अगर बाहर का आदमी आपको बताता है तो आपको क्यों दुख होता है फिर खुद खुद की गलती देख के आपको कोई दुख नहीं हो रहा है बट यही आयना अगर आपको कोई बाहर का आदमी बता रहा है तो आपको दुख होता है होता है ना पक्का ही होता है अपने मन से पूछ के देखिए लेकिन यही आयना दिखाने का काम कोई और व्यक्ति करता है तो हम निराश हो जाते हैं दुखी हो जाते हैं हमें क्रोध आता है कि यार इसने मेरी गलती बता दी ये कौन होता है मेरी गलती बताने वाला ये मेरी गलती है क्या ये ऐसा है क्या वैसा है क्या अपन अपनी गलती को जानने की कोशिश ही नहीं करते उस गलती को तो साइड में रख देते हैं और उस आदमी के बारे में बातचीत करने लग जाते हैं देखो उसने फ्री में बता दी गलती वापस यही बात हो गई उसने गलती बताई है अपन ने गलती को तो नहीं पकड़ा उस आदमी आदमी की गलती निकालने में लग गए मतलब आप तो सुधर ही नहीं रहे हो और दूसरा उसको सुधारने की बात कर रहे हो ऐसा कुछ हो गया ठीक है ना देखो हमें तो फ्री में अपनी गलती पता चल रही है तो हमें वो सुधारना चाहिए ना कि बताने वालों पे गुस्सा या निराश होना चाहिए उसके शब्द से ज्यादा भाव क्या है ये देखना चाहिए उसका भाव क्या है वो चाहता है कि अब वो अब अपने माता पिता बोलते हैं कि अभी तेरे खेलने का टाइम नहीं है अभी तेरे पढ़ाई का टाइम है एग्जाम पास में है ये एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं तो ये गलत तो नहीं है ना अगर आप एक आज से मुझे पता चलता है कि आज के एक महीने बाद एग्जाम है और अगर आप नियमित रूप से पढ़ाई कर रहे हो तो अगर आप रोज एक घंटा खेलने जाओगे तो आपको कोई नहीं कुछ बोलेगा ये आप खुद रियलाइज कर सकते हो लेकिन आप पहले पंद्रह बीस दिन तो खेल रहे हो और फिर बाद में आप पढ़ाई करने बैठोगे तो जब से ज्यादा टेंशन किसको होगा अपने को होगा ना स्टूडेंट लोगों को ही होगा ये तो बात पक्की है तो इसलिए अपने को अपना क्वालिटी टाइम देखना है ऐसा नहीं है कि दूसरों की बात गुस्सा होना है अपनी गलती बता दी उसको लेके बैठना है नहीं बड़े जो बोल रहे हैं उसे सुने क्योंकि वो बहुत बड़े एक्सपीरियंस वाले लोग हैं ये बात माने उससे शब्द से बताने वालों पे गुस्सा होना नहीं चाहिए निराश नहीं होना चाहिए उनके शब्द से ज्यादा भाव को देखना चाहिए अगर हम ऐसा नहीं करते तो हमें अहंकार आता है और कहीं ना कहीं हम अपनी तरक्की नहीं कर पाते हैं देखो अपन सिर्फ दूसरों की सुनने से भी अपनी तरक्की कर सकते हैं वो एक थोड़े दिन पहले एक आया भी था ऐसा सत्संग में भी एक ने कही दूसरे ने मानी गोरख कहे दोनों ही ज्ञानी मतलब एक जन बोल रहा है दूसरा मान रहा है तो फिर वो दोनों ही ज्ञानी है ऐसा जरूरी नहीं है कि अपने को वो बोल रहा है तो नहीं सुन रहा है नहीं वो उसकी बात माननी है नहीं माननी है ऐसा नहीं है आप सिर्फ बड़ों की सुन लोगे तो भी आपकी सो टका तरक्की हो सकती है ये मैंने पर्सनली अनुभव किया है पर्सनली हमारी अगर कोई तारीफ करे तो ज्यादा खुश भी नहीं होना चाहिए और ना कि निंदा करे तो दुखी होना है तारीफ कर रहे हैं तो खुश भी मत हो अरे अच्छी बात है और निंदा कर रहे हैं तो दुखी भी मत हो हमें हर समय समान रहना है ये डिफिकल्ट तो है लेकिन इसका इसकी प्रैक्टिस हमको करनी है आजकल तो बच्चे को कुछ भी बोल दिया तो आजकल तो मैंने क्या क्या सुना है मैंने काफ़ी जगह लेक्चर दिए है तो वहां पे भी मैं देखता हूँ कि पेरेंट्स आके ये बोलते हैं कि भाई हम इन हमने इनको कुछ भी बोल दिया तो ये गुस्सा हो जाते हैं रूम में बंद हो जाते हैं कुछ कई कई दिन खाना नहीं खाते हैं या बात नहीं करते हैं रूम से बाहर ही नहीं आते हैं या घर छोड़ के चले जाते हैं मतलब ये देखो एक्सट्रीम लेवल देखो आप क्या क्या है ये सब करने की जरूरत ही नहीं है क्यों जरूरत है आपको अपने लोग क्यों बोलेंगे आपकी तरक्की चाहेंगे ऐसा तो नहीं चाहेंगे कि आपको कुछ बोल दिया तो उसमें नुकसान उनका है या आपका है इसमें तो दोनों का फायदा है ये पक्की बात है इसलिए ये सब नहीं करना चाहिए हमें गुस्सा करना ही क्यों है अगर अपने कोई गलती बता रहा है तो उस गलती पे ध्यान दो ना उस गलती पे कंसंट्रेट करो उस गलती पे केंद्रित होना चाहिए और उसे सुधारना का सुधारने का प्रयत्न करना चाहिए ये दोनों बात है देखो अगर कोई गलती बता रहा है तो सुधारो और कोई अपनी अच्छाई कर रहा है तो वो अच्छाई को कंटिन्यू करना है उससे एकदम खुश होके एकदम अपने को अपना रास्ता नहीं भटकना है ठीक है भगवान ने यही बोला है तुल्य निंदा स्तुतिर मोनी संतुष्ट केनचित न के अनिकेत स्थिर भक्तिमान में प्रियो भक्तिमान में प्रियो न देखो जो ये सब करता है ना वो भगवान को प्रिय है क्या बोल रहे हैं तुल्य तुल्य मतलब बैलेंस तुल्य मतलब बैलेंस आपको कोई भी कुछ भी कहे आपको बैलेंस रहना है मतलब क्या आपको ना ज्यादा खुश होना है ना ज्यादा दुखी होना है सिंपल सी बात है स्तुति के सफेद बादल भी आए या दुख के काले बादल भी आए तो भी हमें अपने मन को स्थिर रखना है और वही वही सबको प्रिय है देखो जो सबको भगवान को प्रिय है वो सबको प्रिय ऑटोमेटिकली है तो अगर आप हर सिचुएशन में बैलेंस्ड हो कि भाई मेरे को हार आ गया तो भी मैं बैलेंस्ड हूँ मैं जीत गया तो भी मैं बैलेंस्ड हूं ऐसा नहीं है ना अगर ऐसा है तो वो भगवान को आप प्रिय हो ऐसे भगवान ने खुद ने कहा है बारवे अध्याय में सोच लिए तो अगर भगवान बोल रहे हैं आपको भगवान आपको प्रिय कर रहे हैं मतलब भगवान को आप अच्छे लग रहे हो तो सबको तो अच्छे लगने ही लगने हैं इसमें कोई डाउट ही नहीं है तो अभी हमें क्या करना है अपनी गति गलती, गलती पता चल गई तो अब उसे दोहराना नहीं है बस इतना ही काम है और कुछ काम नहीं है अपने को अपनी गलती बता दी ना अब उसको वापस नहीं करना है बस अब कोई नई गलती हो गई तो अलग बात है देखो इसमें भी पूरी छूट है आपको आपकी गलती दोहरानी नहीं है इतना ही करना है बस हो गया काम हमने अभी अभी निश्चय किया था कि हम सुनेंगे क्योंकि हम सुनने भी, भी, भी बड़ी ताकत है ये सुन सुन रहे हैं अभी 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 अपन ने निश्चय किया है कि हम सुनेंगे हम अपने गुस्से पर काबू पाना सीख हमने हमें अपने गुस्से पर काबू पाना सीखना है और यह हम आराम से कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ इसकी प्रैक्टिस करनी है ठीक है कोई गलती बताता है तो ही गुस्सा आता है देखो और कोई अपना अच्छा बोलता है तो गुस्सा तो नहीं आता ना क्यों ऐसा क्यों होता है अपनी गलती बता रहे हो तो गुस्सा आ रहा है और कोई अपने लिए अच्छा बोल रहा है तो अपने को अच्छा मतलब उसमें अपने को कोई भी एडवर्स इफेक्ट नहीं हो रहा है एवरी एक्शन शुड हैव रिएक्शन तो आपको रिएक्शन तो देना ही है तो क्रोध का क्यों देना है भगवान देखो इतने युद्ध में उनके सारथी बन के आ गए अब अर्जुन बोल रहे कि मेरे को लड़ना नहीं है भगवान को कितना गुस्सा आया उन्होंने दूसरा अध्याय में क्या बोला क्लैपियम डायरेक्ट नपुंसक बोल दिया उनको इतनी बड़ी बात है हमें अपने गुस्से पर काबू करना है भगवान ने हंसते हंसते बोला है ये बहुत बड़ी बात है क्लैपियम भी उन्होंने हंसते हंसते बोला है मतलब देखो इसमें भी बहुत बड़ी सीखने की बात है बड़ों को भी और बच्चों को भी अगर हमको डांटना है ना तो वो भी हंसते हंसते डांट सकते हैं बच्चों इसको विशेष रूप से अच्छे तरीके से लेना ऐसा नहीं है कि बार बार आप मम्मी पापा को बोलो कि भाई हमको ऐसे क्यों डांट रहे हो वैसे क्यों डांट रहे हो बट ये एक सीखने लायक बात है बहुत हर एक वर्ड गीता जी का बहुत कुछ सिखा देता है देखो इसको सिर्फ अठारह अध्याय या सात श्लोक में नहीं देखना है इसके हर एक शब्द को अगर आप जानने की कोशिश करोगे ना तो आपको बताऊ क्या बहुत कुछ मिल सकता है यू शुड गेट कंट्रोल ऑफ योर एंगर विथ योर इनर योर इनर हैप्पीनेस आपके अंदर जो भी दुख है वो आपके अंदर की अंदर की ही अंदर की ही, अंदर की ही देखो बार बार बोल रहा हूं मैं अंदर की ही हैप्पीनेस से आनंद की कूपी बोलते हैं ना उससे ही आप उसको जीत सकते हो एक छोटी सी कहानी याद आ रही है इसके ऊपर एक बहुत बड़े सेठ जी थे गांव में रहा करते थे बढ़िया व्यापार करते थे देश विदेश जाया करते थे एक बार वो एक जगह जा रहे थे व्यापार करने तब उनको लगा कि एक रात का समय है तो एक कोई फ्रेंड जैसे आप बोलते हो फ्रेंड है दोस्त है मित्र को लेके चलता हूं तो एक मित्र को उन्होंने साथ में ले लिया अब मित्र को पता चला कि ये बहुत बड़ा व्यापारी है इसके पास तो बहुत धन है तो वो लालची बन गया अब जब रास्ते में रात हुई तो एक कोई गांव में धर्मशाला में वो लोग रुके वहां पे दोनों सो गए शेठ जी को भी डाउट हुआ उसके व्यवहार से बार बार वो कितने पैसे लाए क्यों लाए कितने कहाँ लगाने वाले बार बार सिर्फ पैसों की बातें कर रहा था तो शेठ जी को भी डाउट हुआ इसका मन तो लालची हुआ हुआ है तो रात हुई दोनों सो गए अब मित्र को नींद तो नहीं आए उसको तो वो पैसे धन चुरा के भागना है वहां से तो उसने सब जगह देख लिया कि पैसा कहाँ मिलता है इधर उधर कई झाड़ के पीछे इनके बिस्तर के नीचे तकिए के नीचे सब जगह उनके मतलब जहां वो देख सकता था वहां देख लिया उसने अब उसको पैसा मिला नहीं उसके बाद वो सो गया सुबह हुई तो उनके जो साथ में व्यापारी थे उन्होंने क्या किया सबसे पहले उठते ही भगवान का नाम लिया और जो मित्र जो रात भर पैसा ढूंढ रहा था उसी के गद्दी के नीचे से अपना पैसे का वो पोटला बोलते ना पोटली वो उठाया देखो हंसने वाली बात तो नहीं है लेकिन कितनी बड़ी सीखने वाली बात है जो अपने पास ही है उसे हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कितनी बड़ी बात है सोचो ये इनर हैप्पीनेस है ना ये अपने पास ही है अपन ही खुद को खुश रख सकते हैं फिर तरीका अपने को ही ढूंढना है तो ये इनर हैप्पीनेस अगर अपने को ढूंढना है तो अपने को ही प्रयत्न करना पड़ेगा अपने को ही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अभ्यास अभ्यास ये संस्कृत में इसका मीनिंग प्रैक्टिस है बच्चा बच्चों ऐसे ही है देखो हमें संघर्ष तो करना ही है हंड्रेड परसेंट हमको पता है कि हमें संघर्ष तो करना है हर एक के जीवन में रोज नए नए चैलेंजेस आते हैं पर उन चैलेंजेस को अगर डिफीट करना है तो अपनों से बड़े जो कह रहे हैं उसे बिना क्रोधित हुए अच्छे से समझ के अच्छे से समझते हुए सुनना है समझना है और अनुसरण करना है तो वो जो आनंद की कूपी है ना जो अभी अपन ने बातचीत की वो हैप्पीनेस वो अपने को जो अंदर ही अपने अंदर ही छुपी है और कुछ कहीं नहीं है जो अपने अंदर है उसे अपन उसको उसके साथ, उसके साथ हेल्प के साथ अपने अंदर जो क्रोध है उसे अपन आराम से डिफ़ीट कर सकते हैं हरा सकते हैं हरा सकते हैं देखो ऐसे बहुत कुछ है एंगर के अभी जैसे मेरा पर्सनल चीज़ बोलूं तो मैं तो ट्वेल्थ पास आउट था मुझे पता भी नहीं था कि मुझे सी ए करना है सही बताता हूँ कि मुझे पता भी नहीं था कि मुझे सी ए करना है जब ट्वेल्थ कॉमर्स लिया कॉमर्स पास हुआ छः मार्च को आज भी मुझे याद है छः मार्च को मेरी एग्जाम हुई और मुझे बोला गया कि तुझे सी ए करना है ये ये ट्यूशन में पूना में तेरी ट्यूशन लगा ली है साथ मैं तो बड़ी प्लानिंग से के साथ आया था मेरा लास्ट पेपर मैच का था प्लानिंग के साथ आया अरे कल हमारी मैचेस है हम इतना क्रिकेट ऐसे खेलेंगे वैसे खेलेंगे दिन भर खेलेंगे सिर्फ खेलेंगे फिर बताया गया घर पे आया बोला है कि तुझे कल सुबह जाना है देखो मैं ट्वेल्थ में ही हूँ कल सुबह जाना है कैसे जाना है बस से जाना है किसके किस साथ जाना है किसी के भी साथ नहीं अकेला जाना है भेज दिया मुझे अकेला अब पूना जाना है इससे खुश तो हुआ मैं बट यहाँ आने के बाद यहाँ के चैलेंजेस पता चले यहाँ अकेला रहना है वहां तो माँ सुबह उठते ही सब मेरा काम कर देती थी यहाँ पे मुझे सब कुछ मुझे अकेला करना है वहां इतना बड़ा घर है यहाँ पे मेरे को एक छोटी सी रूम है वहां इतनी बड़ी गद्दी है यहाँ पे मेरे को उससे कई गुना कम वाली गद्दी सोने को मिल रही है वहां ऊपर सोता था यहाँ नीचे सोता था ऐसे क्या क्या गिना सकता हूँ मैं आपको बट जब ट्यूशन जाने लगा वो ट्यूशन के फायदे समझ में आए और वो एग्जाम मैंने सीए की जो प्रोफेशनल की फर्स्ट एग्जाम सीपीटी थी वो मैंने फर्स्ट टाइम ही क्लियर कर दी थी बहुत जन लोग है सी सिर्फ सी के नाम से ही डरते हैं मेरे को तो पता भी नहीं था मुझे सी करना है बट मेरे घर वालों ने मुझे बोला कि तुझे सी करना है उन्होंने मुझे बताया कि तेरे में एबिलिटी है तू कर सकता है तो यहाँ पे क्या हुआ उन्होंने बोला और मैंने सुना भले ही जबरदस्ती सुना होगा आपको लगता होगा कि भाई जबरदस्ती अब वो जमाना नहीं है जबरदस्ती वाला अब तो लोग बच्चों की सुनते हैं ऐसे हम देखा है हमने बहुत जगह हमने भले ही जबरदस्ती सुना लेकिन आज जो उसका फायदा हो रहा है सी होने के बाद वो मैं आपको गिना भी नहीं सकता इतने अनगिनत फायदे हैं मुझे कि मैं आपको बता ही नहीं सकता मुझे खुद को भी कभी कभी बहुत बुरा लगता था सही में बुरा लगता था अरे कहाँ आ गया यार वहां में खेलता था मजे करता था या सब लोग थे मेरे जो भी फ्रेंड्स लोग थे उनके पास मोबाइल थे मेरे पास मोबाइल नहीं था देखो मोबाइल भी नहीं था तो घर पे अगर किसी से बात करना है तो नहीं करना है चार दिवाली या चार होली मुझे अभी भी याद है मैं और मेरा भाई है छोटा वो भी सीए है मोहित हम दोनों ने चार दिवाली और चार होली पूना में ही निकाली है ठीक है मतलब यहाँ से सिर्फ 200 किलोमीटर पे इचलकरण है मैं पूना बैठा हुआ अभी तो भी हमको मना करते थे साफ बोलते थे कि क्या काम है देख लो मतलब ऐसी एडवर्स सिचुएशन में लेकिन हमने क्या किया हमने सिर्फ हमारे बड़ों ने जो हमको बोला वो सुना उनको पता था कि अगर मैं मिचलगंजी रहे तो शायद हमारी पढ़ाई नहीं होगी आप पुनः घर से दूर रहोगे तो आपके पास दूसरा ऑप्शन ही नहीं रहेगा पढ़ने के अलावा तो आप पढ़ोगे तो हमने वही किया और हम ये युद्ध जीत गए देख लीजिए मुझे भी मुझे खुद को भी कभी कभी बहुत बुरा लगता था गुस्सा बहुत आता था या अभी भी गुस्सा बहुत बार आता है पर धीरे धीरे प्रैक्टिस से पेशेंस आ रहे हैं तो अब मुझे पता चल रहा है कि संभाव से ही मन एकदम शांत रहता है एकदम शांत रहता है कोई अपने को अपनी गलती बता रहा है ना मानो और अब दोहराओ मत जीवन में कुछ भी पाना है देखो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी करके दिखाना है रेगुलर तो सभी जी रहे हैं एक्स्ट्रा ऑर्डनरी वाले दो परसेंट है नाइन्टी एट परसेंट वाले कौन है रेगुलर है ये दो परसेंट में अगर आपको आना है तो कुछ अपने अंदर से निकालना है अंदर आनंद की कूपी इनर हैप्पीनेस आपको निकाल के दिखाना है हमें अपनी क्वालिटीज पहचाननी होगी और किसी की नहीं पहचाननी है अपने को कुछ करना है तो अपने अपने द्वारा करना अपने पे ही सेल्फ डिपेंडेंट होना है आत्मविश्वास की बहुत जरूरत है दूसरों की क्वालिटीज देख के हताश नहीं होना है अरे वो इतना सुंदर है अरे वो इसका इतनी अच्छी हैंड है अरे यार उसका फर्स्ट रैंक आ रहा है अरे उसको अलग से गाइडेंस मिल रहा है अलग ऐसे वैसा है ये सब एक्सक्यूज है अगर अपने को सक्सेस होना है तो अपने को अपने अंदर जो भी क्वालिटीज है वो आत्मविश्वास के साथ अपने को ही अपने को देखना है ठीक है ना कि इससे अगर, अगर अपन दूसरे का कुछ देखते हैं ना तो हम दुखी होते हैं आनंदी नहीं होते अपन अपना अंदर का सुख तो बाहर नहीं निकाल रहे लोगों से लोगों का दुख देख के दुखी हो रहे हैं दुख देख के नहीं उनका सुख देख के अपन दुखी हो रहे हैं सॉरी और हम अपने एक्चुअल पास से डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं जो अपने को गोल सेट किया है जो अपन ने लक्ष्य सेट किया है जिसके बारे में हम जानेंगे अभी थोड़ी देर में तो वो जो लक्ष्य अपन ने सेट करने वाले हैं या जो किया है उससे अपन डाइवर्ट हो रहे अपने खुद के ही वजह से दूसरों की दूसरी चीजें देख के ये डिस्ट्रेक्शन नहीं आना चाहिए यही भगवान अर्जुन को बता रहे हैं देखो हमें तो खुद के आत्मविश्वास खुद पे ही आत्मविश्वास करते हुए इम्पॉसिबल को पॉसिबल करके दिखाना है इसका जो मजा आएगा ना बहुत बड़ा आएगा देखो मैं भी बार बार अभी भी मैंने शेयर किया मैं भी ये कर रहा था दो बार फेल हुआ एक्चुअली लिटरली देखा जाए तो तीन बार फेल हुआ एक बार तो फेल हुआ एक बार मेरा एग्जाम के पहले एक्सीडेंट हो गया था उसके वजह से मैं एग्जाम नहीं दे पाया एग्जाम ही नहीं दे पाया तो समझ लो वो फेल हुआ तो ऐसे में फेल हो गया था किसी ने घर में एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि मैं फेल हो भी सकता हूँ देखो अब ये बात बता रहा हूँ बहुत विचित्र है बट बता रहा हूँ कि लोग इतना ऐसे मतलब घर वाले मेरे बाकी लोगों को नहीं बोल रहा हूँ मैं मेरे जो फैमिली मेंबर्स है वो जानते थे कि मेरे में क्वालिटी है कि ये मैं अटेम्प्ट शायद फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर कर सकता हूँ तो उनको मेरे को मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि किसी को भी किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं शायद फेल हूँ बट ये शायद एग्जाम भी ऐसी है मेरे सामने मुझे कोई शायद बोलता नहीं था मेरे सामने कभी नहीं बोलते थे बहुत ऐसा नहीं है बट मेरे को इधर उधर से वो बात पता तो चलती थी <laughs> बट मैंने उसको कैजुअली लिया ऐसा नहीं कि हाँ यार एक एग्जाम है कुछ नहीं वापस ऐसे मतलब तब हमें कोई गाइडेंस करने वाला नहीं था कि मतलब गाइडेंस देखो फैमिली वाले तो थे लेकिन हमारा फ्रेंड सर्कल ऐसा गाइडेंस वाला नहीं था कि हमको समझाए तो तो को हमारे, हमारे, हमारे दादाजी है जिन दादाजी से या मेरे पर्पज लालू अंकल में बोल सकता हूँ नाम से उनसे मैं पहले इतना डरता था आज हम उनसे नहीं डर रहे क्यों? क्यों वो हमारे पे बहुत कठोर थे हमको लगता था लिटरली उन्होंने हमारे लिए सुबह चार बजे अलार्म लगाया हमको उठाया हमको पढ़ाई में बिठाया हमारे लिए दूध बनाया नाश्ता बनाया सुबह ये सब आज के दस साल पहले की बात है अब क्या बताऊ मैं बहुत भावुक हो जाऊंगा इस चीज पे लेकिन ये सब उन्होंने हमारे लिए किया हमारे टेबल चेयर तक साफ करते थे इतना हमारे लिए किया कि भाई नहीं यार इस बच्चे में क्वालिटी है तो इसको अगर कराना है तो उन्होंने ऐसे हमारे को आगे बढ़ने के लिए बहुत तो देखो बड़े लोग जो होते हैं अपने से बड़े जो होते हैं वो अपनी क्वालिटीज जानते हैं अपने से अच्छा आजकल अपन इस अहंकार में ही रहते हैं कि यार मैं मेरे को अच्छे से जानता हूँ मैं क्या कर सकता हूं मैं क्या नहीं कर सकता हूँ ऐसी बात नहीं है आपसे अच्छा आपके घर वाले आपको बहुत अच्छे से जानते हैं ठीक है उनका गाइडेंस लेके आप अगर काम कर रहे हो और अगर उसमें हार भी हो गई ना तो भी वो आपके साथ खड़े हैं देखो मैं फेल हुआ उनके गाइडेंस के साथ था मैं फेल हुआ तो भी वो मेरे साथ खड़े हुए नहीं तो मैंने बहुत जन मेरे फ्रेंड्स को ही देखा है कि मैं फेल भी हुआ हूँ तो अगर वो फेल हो रहे हैं, तो उनको बोल रहे हैं कि अब तू तो दूसरा कोई ऑप्शन देख ले तेरे से ये होएगा नहीं सब निगेटिव बात है अगर यही पॉजिटिव वाइब्स वगैरह आती है नहीं तू कर सकता है एक बार और एग्जाम दे कुछ बिगड़ा नहीं है तू करके दिखा फिर सब पॉजिटिव लगने लग जाता है देख लो इजीली इजी वे में पॉजिटिविटी की एक हद बता सकता हूँ हमारा हम सुबह साढ़े तीन चार बजे उठते थे तो हमारा नीचे से वॉचमैन आके हमको उठाता था भैया आप उठ जाओ उसको क्या पड़ी थी हमारे पढ़ाई की नहीं थी ना तो वो भी हमको सुबह आके उठाता था, था भैया उठ जाओ आपके पढ़ाई का टाइम है हमारे लिए नीचे साफ, तो तो सा साफ सफाई करके रखता था हम नीचे चले जाते थे क्योंकि रूम में रहेंगे तो पढ़ाई शायद नहीं कर पाएंगे तो हमारे लिए नीचे उस पीरियड जो छोटा सा पोर्शन था था गार्डन का उधर साफ सफाई करके रखता हम दिवाली होली पे हम दिवाली होली पे नहीं गए ना तो वहां पे हमारे लिए जो बिल्डिंग वाले लोग थे उन्होंने हमारे लिए दिवाली की मिठाई या दिवाली का फराल हमको लाके दिया मतलब इनडिरेक्टली भगवान ने हमारे लिए वहां पे कुछ फैमिली मेंबर के मतलब फैमिली मेंबर जैसे लोग बना दिए और वो हमारा ध्यान रखते थे बच्चों की आवाज ना हो कि हम पढ़ाई कर रहे हैं तो वो उसका भी ध्यान रखते थे मतलब देखो जब पॉजिटिव वाइब्स आते हैं ना तो सब तरीके से पॉजिटिव वाइब्स आते हैं ऐसा नहीं है कि सिर्फ बड़ों ने बोल दिया आपने सुन लिया आप सुन लोगे ना ये पॉजिटिविटी की शुरुआत है अगर ये शुरुआत हो गई तो ये सब तरीके से आपको पॉजिटिव ही लगेगा और ये आज की बहुत मतलब आज के तारीख में बहुत ज्यादा जरूरत है इसकी देखिए